Hello everyone, this is Akhilesh. In this video, we are going to cover our next topic that is foreign trade. In foreign trade, we have to study about the structure and composition of foreign trade on the eve of independence. Actually, before the arrival of Britishers, India exported raw material to the rest of the world. But after the arrival of Britishers, all the raw material and fifty percent of foreign trade was with Britishers and the rest foreign trade India do with its neighbor countries. So in this video we are going to know about what was its structure of foreign trade during independence. The first feature is exporter of raw material and importer of finished good. जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया से रॉ मटेरियल ट्रांसफर किया करते थे इंग्लैंड के जो वहां की जो इंडस्ट्रीज थे उसके लिए क्योंकि वहां पे रॉ मटेरियल का बहुत ही ज्यादा स्कॉर्सिटी था और यहाँ पे जो रॉ मटेरियल था वो बहुत ही ज्यादा सस्ता था और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का हुआ करता था जिसके कारण इंडिया से वो एक्सपोर्ट क्या करते थे रॉ मटेरियल इंग्लैंड के इंडस्ट्रीज के लिए और फिर वहां पे जो फिनिश्ड गुड हुआ करते थे वो फिर उसे इम्पोर्ट किया करते थे और फिर उसे इंडिया में सेल किया करते थे जो सेकंड फीचर है वो है मोनोपोली कंट्रोल जितना जो फॉरेन ट्रेड था वो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था कंट्रोल में था ब्रिटिशर्स ही पूरा ट्रेड को कंट्रोल किया करते थे अबाउट फिफ्टी परसेंट ऑफ फॉरन ट्रेड जो था वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ हुआ करता था और जो 50% परसेंट जो जो नेक्स्ट 50% परसेंट ट्रेड था वो इंडिया अपने नाइबर कंट्री के साथ ट्रेड किया करता था जिसमें चाइना श्रीलंका ईरान ये सब के साथ इंडिया ट्रेड किया करता था यहाँ पे श्रीलंका को सीलोन और ईरान को परसिया ये उनका पुराना नाम है तो आप इसे प्लीज रिमेम्बर याद रखियेगा और जब एटीन में स्वेच कैनल ओपन हो गया तो जो ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट था वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया अब जो ब्रिटिशर्स थे उनको पूरा अफ्रीका ट्रेवल करके नहीं आना पड़ता था वो अब डायरेक्टली इंडिया आ सकते थे और बहुत ही ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन जो था वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया जिसके कारण जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया और जो ट्रेडिंग था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया द थर्ड फीचर इज मिसयूज ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस भारत बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट किया करता था रॉ मेटेरियल को और बहुत ही ज्यादा अच्छा रेवेन्यू हुआ करता था लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो जो एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ करता था जो पैसा हुआ करता था वो अपने फायदे के लिए यूज करते थे ना कि कोई पब्लिक डेवलपमेंट के लिए यूज किया करते थे वो अपना जो एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ करता था वो यूज करते थे बेनिफिट वो यूज क्या करते थे वॉर एक्सपेंसेस के लिए जो ब्रिटिशर्स के जो वहां ब्रिटेन में जितने सारे ऑफिस थे वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए यूज किया करते थे और इसी के कारण और इसी के कारण इसे ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ कहा जाता है क्योंकि जितने सारे एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ करते थे वो ब्रिटिशर्स सिर्फ सेल्फ यूज के लिए यूज किया करते थे ना कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट वर्क के लिए यूज करते थे इंडिया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एक्चुअली डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है वो एक तरह का स्टेटिकल डेटा होता है जिसमें हम पास्ट और प्रेजेंट के डेटा को कंपेयर करते हैं और फिर पास्ट और प्रेजेंट के डिफरेंसेस से पता करते हैं। और उस स्टैटिस्टिकल डेटा को फिर हम कंपेयर करते हैं पास्ट और प्रेजेंट से और फिर हम उन डिफरेंसेस को जानने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त जो हमारा इकोनॉमी था वो बैकवर्ड इकोनॉमी था एग्रियन इकोनॉमी था स्टेगनेट इकोनॉमी था इंडिया में जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ था वो 1881 में हुआ था और फिर लगातार उसके बाद हमारा सेंसस आफ्टर 10 ईयर के इंटरवल में होते रहता है लेकिन 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड और ईयर ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वन मार्क्स के लिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है और बहुत ही और एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है तो आप प्लीज ये याद रखिएगा 1921 इज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहा जाता है एक्चुअली में 1921 से पहले जितने सारे हुए थे उसमें जो इंडिया का पॉपुलेशन था वो कंटिन्यूसली इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा था कोई भी परफेक्टली ये नहीं था कि वो इंक्रीज कर रहा है या कर रहा है लेकिन 1921 के बाद जो हमारा पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट था वो कंटिन्यूसली ही इंक्रीज किया है 1921 के बाद कभी भी हमारा पॉपुलेशन डिक्रीज नहीं किया जिसके कारण हम 1921 को ऑफ़ ग्रेट डिवाइड करते हैं। अब हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल के फर्स्ट पीचर को पढ़ने वाले हैं हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट बर्थ रेट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बोर्न पर थाउजेंड इन अयर एंड डेथ रेट को नंबर ऑफ पर्सन डाइंग पर थाउजेंड इन अयर उस वक्त हमारा जो बर्थ रेट था और डेथ रेट था वो बहुत ही ज्यादा था अबाउट फोर्टी एट पीपल जो थे पर थाउजेंड था और फिर अभी जो है वो है नाइनटीन पर थाउजेंड और वहीं जो डेथ रेट था वो फोर्टी था और अभी का डेथ रेट हमारा सेवन पॉइंट थ्री है नेक्स्ट जो है वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये भी वन मार्क्स क्वेश्चन में बहुत ही कैजुअली पूछा जाता है तो आप प्लीज इसे याद कर लीजिएगा इसको हम डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ इन्फेंट डाई बिफोर कम्प्लीटिंग वन ईयर ऑफ ईयर दर्थ वन थाउजेंड बर्थ इन ईयर जितने सारे चिल्ड्रेन जो वन ईयर कम्पलीट होने के पहले ही डेथ कर जाते हैं उन्हें हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट करते हैं और उस वक्त जो हमारा इन्फेंट मोर्टलिटी रेट था वो टू हंड्रेड एटीन था और अभी हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फोर्टी था तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि उस वक्त हमारा इन्फेंट मॉडलिटी रेट कितना ज्यादा था जो थर्ड फीचर है वो है लिटरेसी रेट लिटरेसी रेट किसी को हम कोई भी पर्सन को लिटरेट जब तभी कहते हैं जब वो सात साल के ज्यादा के एज के हो और वो आसानी से कोई भी लैंग्वेज को पढ़ या लिख सके उन्हें हम लिटरेट पर्सन कहते हैं तो उस वक्त जब हमारा देश आजाद हो रहा था उस वक्त हमारा लिटरेसी रेट अबाउट सिक्सटीन परसेंट था और अभी हमारा लिटरेसी रेट सेवेंटी सिक्स परसेंट है उस वक्त हम जो वस लिटरेसी रेट था वो ओनली सेवन परसेंट था तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि, कि कितना ज़्यादा कितना ज्यादा जो पॉपुलेशन था वो इंडिया का वो इन इलिटरेट पीपल थे उस वक्त इंडिया में फोर्थ फीचर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम कितने साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं जीने का जो हमारा एवरेज ईयर होता है एवरेज ईयर ऑफ पर्सन एक्सपेक्टेड टू लीव उसी को हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं हमारा उस वक्त जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ईयर था वो अबाउट फोर्टी फोर ईयर था और वही अभी हमारा एट ईयर है फोर्थ फीचर इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज नंबर ऑफ ईयर अ पर्सन एक्सपेक्टेड टू लीव हम कितना साल एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कितना साल जी सकें उसी को हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी करते हैं और उस वक्त हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था पूरे इंडिया का वो अबाउट 44 ईयर था और प्रेजेंट में हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी ईयर 68 है। फिफ्थ फीचर इज पुअर स्टेट ऑफ हेल्थ फैसिलिटी हमारा उस वक्त जो हेल्थ फैसिलिटी था वो बहुत ही ज्यादा खराब था उस वक्त बहुत ही कम डॉक्टर्स थे या जो हमारा जो हेल्थ uh, सेक्टर था वो बहुत ही पुअर था जिसके कारण एयर और वाटर बॉन्ड डिजीज भी बहुत ही ज्यादा होता था और क्योंकि उस वक्त कोई भी अच्छे डॉक्टर्स या उस वक्त इतना मेडिकल फैसिलिटी नहीं था तो कभी भी अगर कोई अगर कुछ डिजीज किसी को होता था तो क्योंकि उस वक्त अच्छे इलाज नहीं हो पाते थे वे तो खराब हेल्थ फैसिलिटी होने के कारण उन्हें बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था सिक्स फीचर है वाइड स्प्रिड पुवर्टी उस वक्त हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो बहुत ही कम था जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए नहीं थे उसके आने से पहले जो हमारा जीडीपी था वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा था चाइना और इंडिया जो था वो अबाउट फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट जो ट्रेड था वो इंडिया और चाइना करते थे लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आए एटींथ और नाइनटीन सेंचुरी के बाद हमारा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है और जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड था वो धीरे धीरे कम होता गया जिसके कारण इंडिया में जो पर कैपिटल इनकम है वो भी कम हो गया और फिर हमारा जो पुवर्टी है वो धीरे धीरे बढ़ता गया और जो इकोनॉमिक कंडीशन लाइफ होता है पीपल का वो बहुत ही खराब होते गया द नेक्स्ट टॉपिक इज इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है कि उस वक्त ब्रिटिश ने क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए थे और फिर उन इंफ्रास्ट्रक्चर का किस उस इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा हुआ उनके पीछे उनका क्या क्या ऑब्जेक्टिव था इसमें हम लोग उसको कवर करेंगे जो फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ना है वो है रोडवेज रोडवेज कंस्ट्रक्ट करने के पीछे ब्रिटिशर्स के दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव थे फर्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था मोबिलाइजिंग आर्मी एंड सेकेंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था ट्रांसपोर्टिंग ऑफ रॉ मेटेरियल एक्चुअली में उस वक्त जो ब्रिटिशर्स आर्मी थे वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंसी स्टेट में लिमिटेड थे और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उनका जो आर्मी है उनका कंट्रोल ऑल ओवर इंडिया में हो रोड्स कंस्ट्रक्ट करने के बाद उनको ये एडवांटेज हुआ कि उनका जो आर्मी था वो मोबिलाईज हो गया उनका मूवमेंट जो था वो पूरी धीरे धीरे फैलता गया और फिर पूरे इंडिया में उनका कंट्रोल हो गया और दूसरा जो उनका रॉ मटेरियल होता था उन्हें अब बहुत ही आसानी होता था नियरेस्ट पोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने में जिससे वो फर्दर ट्रांसपोर्ट होते थे और लास्टली वो इंग्लैंड के लिए एक्सपोर्ट हो जाते थे लेकिन रोडवेज में जो प्रॉब्लम था वो ये था कि ब्रिटिशर्स ने ऑल वेदर रोड नहीं बनाया था जब भी बारिश ये का मौसम आता था तो उनका जो रोड था वो बहुत ही आ, उतना ये नहीं था कि वो बारिश में सरवाइव कर पाते थे तो जो ऑल वेदर रोड था उनका वहां पे शॉर्टेज था उस वक्त सेकंड है रेलवेज रेलवेज जो है वो एटीन में इंट्रोड्यूस हुआ था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन uh, में आ चुका है इससे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डेट है 13 अप्रैल 1853 को फर्स्ट ट्रेन चला था मुंबई टू थाने के लिए इससे क्या हुआ जो कल्चर बैरियर था मतलब कि जो लॉन्ग डिस्टेंस के जो बैरियर्स थे पहले ऐसा होता था कि जो लोग थे वो जहां पे हैं वहीं पे uh, सिर्फ रह जाते थे लेकिन जो रेलवे था वो कल्चर बैरियर्स को तोड़ने का काम किया अब लोग दूसरे दूसरे जगह पर जाके वो ट्रेड कर पाते थे उनका जो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर पाते थे जो ट्रेड बेरियर्स था उसको वो तोड़ने में काम किया और जो थर्ड फीचर है रेलवेज का वो था कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ये एग्रीकल्चर को कॉमर्शलाइज करने में रेलवेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा एंड द फोर्थ इज एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मेटेरियल टू इंग्लैंड जो हम लोगों ने रोडवेज में पढ़ा सेम टू सेम रेलवेज में भी वही होगा जो थर्ड है वो है एयर एंड वाटर तो बहुत सारे उस वक्त पोर्ट्स कंस्ट्रक्ट किए गए बहुत सारे एयरवेज कंस्ट्रक्ट किए गए ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ज्यादा से ज्यादा इफिशियंट हो सके और ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो सके बहुत सारे सी रूट भी बनाए गए शॉर्टेस्ट सी रूट भी बनाए गए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्वेच कैनल आ, बनाया गया तो जो डिस्टेंस था इंग्लैंड से लेकर इंडिया का वो डिस्टेंस शॉर्ट हो गया और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था वो कम हो गया और बहुत ही ज्यादा ट्रेडिंग होने लगा कम्युनिकेशन में पोस्ट और टेलीग्राफ का इंट्रोडक्शन किया गया 1852 में पहला स्टाम्प इंट्रोड्यूस किया गया और 1853 में फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रिक लाइन जो था इलेक्ट्रिक जो टेलीग्राफ था वो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए शुरुआत किया गया था और जो पोस्टल सर्विसेज था वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए स्टार्ट किया गया था ताकि जो ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज्यादा से ज्यादा इफिशेंट हो सके और उनका जो कंट्रोल है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके तो हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया है तो सब तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे वो जो लेक्चर होगा वो शॉर्ट समरी होगा उसमें मैं थर्टी मिनट्स में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा और उसमें भी मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाऊंगा तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि मैं क्या क्या गलती कर रहा हूं और मुझे कहां का इंप्रूवमेंट करना चाहिए थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग